जिला प्रदर्शनी के जिगर मंच पर आयोजित कॉमेडी शो में हास्य कलाकार सुनीत पॉल और प्रताप फौजदार की कॉमेडी ने लोगों को लोटपोट कर दिया। हास्य कलाकारों की नाइट में दर्शक परिवार के साथ पहुंचे और आनंद लिया। कार्यक्रम का आरंभ भूमि संरक्षण अधिकारी योगेंद्र कुमार और डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। मंच पर सुनील और प्रताप के आते ही लोगों ने सीटियां बजानी शुरू कर दी। दोनों हास्य कलाकारों ने नेता अभिनेता और पुलिस पर भी तंज कसा। इस दौरान जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी, प्रदर्शनी प्रभारी राहुल शर्मा, डॉक्टर प्रदीप शर्मा, परवेज नाजिम, रफत खान मुरादाबाद समेत बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। देखिए प्यार मोहब्बत का क्या, जब दिल आ जाता है तो आशिकी तो बाहर निकल जाती है। ये देखो आशिक लोग बेचारे, इनमें से एक लड़का लड़की को देख के कहता है, मेरा दिल भी कितना पागल है। कॉन्फिडेंस देखिए, सबसे पीछे से आके आगे बैठ रहा है। किसे कैसे उत्तर प्रदेश का बंदा किसी से हारता नहीं है। मेरा दिल भी कितना पागल है, लड़की को देखे, ये प्यार तो तुमसे करता है। अब मुख्यमंत्री याद आते उनको, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे सीएम, हाय तेरे नियम, उस पे खतरनाक अपना पीएम। एंटी रूबियस कोर्ट में देखते कि लड़की छेड़ रहा है, बहुत मारा, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। पत्रकार चले गए पूछने के लिए कैसा लग रहा है, क्या लग रहा, वहां भी गाने में जवाब दे रहा है, सलाइन लगी हुई, हालत खराब है, फिर भी हाँ बताइए गाने में तकलीफ शुरू होती है। राह में उड़ने से मुकालात हो गई, आगे क्या हुआ, जिससे वही बात हो गई। फल वाले ने मेरे को देखा, मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना है, हो सकता कोई वैरायटी आ गई हो। उसने फिर सारा किया, बड़ी देश ये क्या है, बोले सर ये एक मिला एक सेब, बोले वाह हमारे देश में इतना बड़ा सेब, हमारे देश में इतना बड़ा। मेरी भी देशभक्ति जागी, मैं उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है, मैं कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब बता सारे मेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर होता है। सर जी वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया, भाई जी मैडम जी उतार लो, नहीं अधिकारी है भैया कुछ उतारना चाहिए, नहीं कहेंगे दो सेकंड पहले उतार लिया था फिर से काफी हो सकता है। इतना बिल आ गया, लड़का मुरादाबाद का था, उसका मुंह सूख गया, इतना बिल खतरे में आ गया मेरा मुस्तकबिल। तो नारी है एक्स्ट्रा ऑर्डर नारी है, चलो बिल दे, लड़का लड़की कह रही है चलो बिल भर दो, अब लड़का मुरादाबाद का गाने में कह रहा है, बिल भर दो तुम्हारा मुंह क्यों सूख गया, मुंह सुखाने की वजह तुम्हारा, बिल चुकाने की सजा तुम्हारा। लड़की बोले चलो चुपचाप बिल दे दो, दिया जाए ना जाए ना जाए। फिर वेटर को आवाज दे, वेटर को, अरे लड़के तू मुझे बतला, क्या साहब, बर्तन धोने की जगह दिखला, सर ये सूखो पी लो, पिया जाए ना जाए ना जाए ना। अब आगे सुनिए वेटर की बात, वेटर ने क्या कहा, तो साहब आपको क्या लगता है मैं खानदानी वेटर हूं, मैं भी 3 महीने पहले ये जलील हरकत कर चुका हूं। तुमको कितना बिल आया रे, बिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, एक चेहरे ने बहुत
प्यार से लूट रहा मुझे अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया है, वो अभी भी हमको भोला वाला हिंदुस्तानी समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि हम उनके बाप हो गए। एक देसी जोक सुनाता हूँ, सुनना अपने, अभी मुझे मजा नहीं आ रहा दोस्त, वैसे आप हंस रहे हैं ताली बजा रहे हैं, लेकिन ठाका कर रहा है, करने वाले आने चाहिए, मुझे जब मजा आता है, कोई बात नहीं। बाबा तुम्हारी बेटन बज रही है, तुम मत बजाओ, तुम्हारी टाइमिंग सही नहीं है, रूम ये तो हमसे क्यों टाइमिंग करके। तो क्या है यार, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया है, वो अभी भी हमको भोला वाला हिंदुस्तानी समझते हैं, वो ये नहीं समझते कि अब हम उनके बाप हो गए। तो कहीं बाबा करवे यार, ऐसे थोड़ी घरवाली की चुप्पी अच्छी लगती है और पड़ोसन गप्पी अच्छी लगती है, बातचीत करें। अब बताना ऊर्जा कहाँ से ले रहा आदमी, कहाँ से आनंद ले रहा है। घरवाली की चुप्पी अच्छी लगती है और पड़ोसन गप्पी अच्छी लगती है, जिस बच्चे की मम्मी खूबसूरत हो उस बच्चे की पप्पी अच्छी लगती है। समस्या की उपेक्षा करते हैं, मेरी बात आप साथ रखेंगे तो मुझे तालियों से बताना, हर व्यक्ति बंद हो समस्या की उपेक्षा करते हैं पर हंसते हुए घोट समस्या का समाधान करते हैं।